यहां चाय बागान का काम विकसित हुआ। 150 साल हुए होंगे, 150 साल हुए। आसाम के अंदर हिंदुस्तान के और भागों से मजदूर आए, चाय बागानों में काम किया और आसाम को पहचान दी, दुनिया को चाय दी। और आसाम ने सिर्फ चाय दी ऐसा नहीं, आसाम ने दुनिया को चाह भी दी है, चाह भी दी है। भाइयों बहनों, जिन्होंने 150 साल तक मजदूरी की, चाय बागानों में अपनी जिंदगी खपा दी, चार चार पांच पांच पीढ़ी चाय बागान में काम करते रहे, हमारे ही देश के भाई हैं। भाइयों बहनों, अगर देश को विकास करना है, प्रगति करनी है, तो क्या चार चार पांच पांच पीढ़ी तक ये चाय के बागान में काम करने वाले ऐसे ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना होगा क्या? क्या उनकी जिंदगी बदला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? उनको रहने के लिए घर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उनको सम्मान भरी जिंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, चाहे सरकार आसाम की हो चाहे दिल्ली की हो, जिस चाय से हिंदुस्तान को अरबों खरबों डॉलर की कमाई होती है, फॉरेन एक्सचेंज कमाने को मिलता है, जो चाय आज हर घर पहुंच गई है, भाइयों बहनों, ये दायित्व बनता है दिल्ली की सरकार का, ये दायित्व बनता है आसाम सरकार का, ये चाय बगान के पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले जो मजदूर है उनको उनका हक मिले, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन आए, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिले, बीमारों को दवाएं मिले। भाइयों बहनों, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, हम इन चाय बागान के कामदारों के लिए अलग एक बोर्ड की रचना करेंगे, उनके पास के लिए योजनाएं बनाएंगे, उनके जीवन में बदलाव आए, इस काम को हम पूरा करने का इरादा लेकर के चल रहे हैं।